हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो आज जो मैं करेले बनाऊँगी वो फ्राई करके बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इनको मैंने कल ही नमक लगा कर रख दिया था करेलों में। आज इनकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो एक दिन पहले मैं नमक लगा के रख देती हूँ। इस तरह से मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ। इस तरह मैंने गोल काटे हैं करेले। आप करेलों को किसी भी साइज़ में काट सकते हैं, लंबा काट सकते हैं, गोल काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले हम करेलों को धोएंगे, 4-5 बारी साफ पानी से धोएंगे करेलों को, क्योंकि इनमें नमक लगा के रखा है। तो सारा नमक का पानी हमें निकालना है अच्छे से धोकर करेलों का। चार बारी मैंने करेलों को साफ पानी से धो लिया अच्छे से मसल मसल कर। अब ये लास्ट पानी है इसका। अच्छे से इनको धोएंगे हाथों से, ऐसे हल्के हल्के हाथों से। अब फिर इनको थोड़ा सा निचोड़ निचोड़ के ऐसे इनका सारा पानी निकाल लेंगे हाथों से निचोड़ कर, और दूसरे बर्तन में रख लेंगे ऐसे। यहाँ सारे करेलों को हमने अच्छे से धो लिया है और अच्छे से निचोड़ लिया है इनको। अगर इनमें बीज हैं, कच्चे बीज हैं, तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर करेलों में पके हुए बीज हैं तो उनको आप निकाल दीजिए, क्योंकि पके हुए बीज ना करेलों में खाने में अच्छे बिल्कुल नहीं लगते। अगर कच्चे बीज हैं तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आधा ही किलो मैंने यहाँ प्याज लिए है करेलों में डालने के लिए। मैं दोनों चीज़ बराबर बराबर लेती हूँ। आधी किलो करेले हैं तो आधी किलो ही प्याज लेती हूँ मैं। आप चाहें तो करेलों के साथ प्याज को कम कर सकते हैं। करेले बनाने की सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। सबसे पहले गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालना क्योंकि हमें करेले फ्राई करने हैं बस। सरसों के तेल को हमें यहाँ अच्छे से गरम करना है। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें करेले डालेंगे हम। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे। यहाँ मैंने प्याज को लंबाई में काट लिया है मोटा मोटा। आप अपने हिसाब से प्याज को काट सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। करेले भी धीरे धीरे हमारे फ्राई हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें फ्राई करने में मुझे 10-12 मिनट का टाइम लगा है। करेले की सब्ज़ी इस तरह से आप फ्राई कर बनाएंगे करेलों को तो बिल्कुल भी खाने में कड़वे नहीं लगेंगे। एक प्लेट में निकाल लेते हैं करेले को, क्योंकि इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी बनाएंगे करेले की। तो दोस्तों, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना एक बार। 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल हमने फिर ले लिया है कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के लिए। टोटल मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यूज़ किया है इसमें करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग। अब इसमें प्याज डाल देंगे हम। करेले की सब्ज़ी में बेसिक मसाले तो डालेंगे ही, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं अगर हम वो नहीं डालेंगे तो करेले की सब्ज़ी अधूरी है, जैसे कि आमचूर पाउडर और सौंफ का पाउडर। इसके बिना करेले की सब्ज़ी का स्वाद अधूरा है अगर आप ये करेले की सब्ज़ी में नहीं डालेंगे तो। मैं करेले की सब्ज़ी में 2 चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। वैसे चॉइस आपकी है, आपको जो भी मसाले अच्छे लगते हैं वो आप करेले की सब्ज़ी में डाल सकते हैं। प्याज को हमें यहाँ ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का लाइट ब्राउन करना है। तो थोड़ा सा हमें इसको फ्राई करेंगे प्याज को। तो प्याज हमारी फ्राई हो गई है।
तो यहाँ प्याज में सबसे पहले हम डालेंगे आधी छोटी छोटी चम्मच हल्दी, जिससे कि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। प्याज के साथ भून लेंगे इसको थोड़ा सा। हम अब इसमें करेले ऐड करेंगे। हम तो प्याज के साथ भी करेले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सब्जी में डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सबसे पहले हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, उसके बाद डालेंगे एक बड़ी चम्मच पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। यहाँ मैंने पिसा हुआ धनिया एक चम्मच और डाला है, टोटल दो चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला मैंने इसमें। एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच पिसी हुई सौंफ का पाउडर, सारे मसालों को सब्जी के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से। सॉरी, मैंने पिसी हुई सौंफ का पाउडर बोल दिया था। जब पिसी हुई सौंफ बोल दी तो पाउडर बोलने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो सारी मसालों को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ गैस को मैंने धीमा कर दिया है। तो करेले हमारे पहले ही फ्राई हो गए थे, तो सब्जी को बनने में बस 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ मैं कढ़ाई के ऊपर प्लेट को पूरी तरह नहीं ढकूँगी, थोड़ा खुला छोड़ दूँगी और गैस को धीमा कर दूँगी। यहाँ पर मैं बस धीमी आंच पर हमें 3-4 मिनट 4-5 मिनट पर जो भी है, ज़्यादा नहीं पकाना सब्जी को, खुला ही पकाएंगे सब्जी को, ढकेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी खिली खिली क्रिस्पी है ना ये करेले की सब्ज़ी, अच्छी लगती है। करेले की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। इस तरह से आप करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी करेले की सब्ज़ी। आप इस सब्ज़ी को किसी भी खाने के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। फ्रिज में रखकर 10 दिन आप इसको यूज कर सकते हैं खाने के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।